हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी यू वाली पर। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल सीयूईटी के एग्जाम में बैठने वाले हैं। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं शिफा, जिन्होंने लास्ट ईयर सीयूईटी में टॉप किया था और अभी शिफा करंटली मिरांडा हाउस से अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही है। तो शिफा, आपका स्कोर क्या आया था सीयूईटी में और क्या आपने सोचा था कि मिरांडा हाउस जैसे टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा? वेल, मेरा जो स्कोर था वो 750 था 800 में से, और सिंस मैंने जो भी अपने आंसर्स किए थे सीयूईटी एग्जाम में उसको घर आके अपनी बुक्स के थ्रू और गूगल करके जो नहीं आते थे उसको क्रॉस चेक किया था। सो आई हैड अ प्रायर आइडिया कि मुझे नॉर्थ कैंपस का कॉलेज तो जरूर मिल सकता है, एंड आई वाज एमिंग फॉर आइदर स्टीफन्स और मिरांडा, और मिरांडा हाउस में हो भी गया। ठीक है, तो सीयूईटी की जो प्रिपरेशन आपने करी थी वो कैसे करी थी? आपने कोचिंग ली थी, सेल्फ स्टडी की थी, कितने घंटे आप पढ़ते थे इस बारे में थोड़ा बताओ। वेल, मैंने जो सब्जेक्ट्स दिए थे उसमें से जीटी, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ तो जीटी में मैथमेटिक्स भी इंक्लूडेड होता है, सो मैंने जीटी की बस कोचिंग ली थी। अदर देन दैट जो लैंग्वेज एंड डोमेन सब्जेक्ट्स थे उसके मैंने सेल्फ स्टडी की थी। डोमेन्स कितने? तीन डोमेन्स दिए थे आपने? यस, तीन डोमेन्स थे, तो लैंग्वेज था, डोमेन्स था और जीटी था। ठीक है, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट था जिसको लेके आपको डर लग रहा हो, जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी कम हुई और लग रहा हो कि इसमें शायद थोड़ा सा कम मार्क्स आ सकते हैं? तीन डोमेन्स थे, एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री और एक पॉल साइंस। पॉल साइंस मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट था एंड ज्योग्राफी वॉज प्रिटी इजी, तो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस बस हिस्ट्री एग्जाम से पहले हो रही थी। हिस्ट्री फिर कैसे गया था ओवरऑल आपका? वैसे तो पॉल साइंस एंड ज्योग्राफी में फुल आने के बाद लग रहा था कि नहीं, हिस्ट्री भी अच्छा चला जाएगा, एंड थैंकफुली उसमें बस 3 क्वेश्चंस गलत हुए थे, बट देन नेगेटिव मार्किंग इज देयर राइट, सो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो 15 मई से अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की थी अपने टाइम पे जो आप अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करना चाहोगे? वेल, एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैनिक ना करो, इंस्टेड अप्लाई मेनी स्ट्रैटेजीज, एंड वन आई वुड सजेस्ट इज टाइमर लगा के आप अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए, सो दैट मॉक टेस्ट दीजिए, अपने क्वेश्चंस को खुद से एनालाइज कीजिए, सो दैट यू गेट रेडी विद दैट एटमॉस्फेयर कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठूंगा या बैठूंगी तब मेरे साथ वो मेंटल स्टेट क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाऊंगी, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आप टाइमर यूज कर सकते हैं। लास्ट ईयर तो सीयूईटी सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया गया था, तो कोई स्पेसिफिक कोई इश्यूज थे, कोई टेक्निकल ग्लिचेस जो आपने फेस किए लास्ट ईयर? वेल, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द एग्जाम, जो कि मेरा फर्स्ट पेपर था इंग्लिश का, उसी में ही काफी ग्लिचेस आ रहे थे, बट उसके बाद नहीं आए, तो उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन वॉज नॉट इन करस्पॉन्डेंस विद द माउस एक्शन, सो दिस इज वॉट इज द ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं कई बार। हाँ, लेकिन वेल, इस बार तो एनटीए ने पेन पेपर मोड भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आई रियली होप कि इस बार बच्चों को ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, ओएमआर शीट्स पे एग्जाम्स होने वाले हैं। सीबीटी मोड पे भी होंगे, लेकिन जो ज्यादातर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स है ना वो इस बार ओएमआर शीट पे होने वाले, तो आई गेस ये बैच थोड़ा लकी होने वाला है। इसके बाद मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो सेंटर आपको अलॉट हुआ था वो आपके घर से कितनी दूर था? क्योंकि लास्ट ईयर से हुआ था कि बच्चों को 200-300 किलोमीटर भी दूर सेंटर अलॉट हुए थे। मैं बेसिकली लखनऊ सिटी प्रॉपर सिटी एरिया से बिलोंग करती हूँ, सो मेरा जो सेंटर था वो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट वाइज गया था, सो इट्स लाइक बिजनौर डिस्ट्रिक्ट चला गया, सो इट टुक मी सम 1 hour to 1.5 hour टू रीच दे, सो सेंटर का प्रॉब्लम तो पड़ता है, बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है, कई बार ट्रांसपोर्ट बदल के जाना पड़ता है, आधे रास्ते बस से आधे रास्ते ऑटो से, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर जिस दिन आपका एग्जाम था, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया आसपास के माहौल में, आपने क्या ऑब्जर्व किया और पर्सनल लेवल पे आप कैसा फील कर रहे थे? एंग्शियस थे, नर्वस थे या थोड़ा कूल थे? वेल, जो फर्स्ट डे ही था उसका सेंटर काफी रिमोट एरिया में दिया गया था, सो दैट्स वाई वो नर्वसनेस इंक्रीज हो रही थी, बट पेरेंट्स साथ जाते हैं तो काफी चिल भी थे हम लोग, एंड इवन जो फ्रेंड्स थे स्कूल से उनका भी सेंटर सेम पड़ गया था, सो वी वर इंटरैक्टिंग एंड वी वर जस्ट रिवाइजिंग, लास्ट टाइम रिविजन कर लेते हैं, एंड या एंड वहां का जो एनवायरमेंट था, लाइक स्टाफ इज वेरी गुड एंड दे जस्ट गिव यू इंस्ट्रक्शंस, आप अच्छे से फॉलो कर देते हैं, देन इट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम। तो वहां का एनवायरमेंट लाइक काफी कॉम्पिटिटिव होता है, काफी सारे स्कूल से बच्चे आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, सो वो माहौल बन जाता है कि हाँ आज तो सच में लाइफ का एग्जाम है। तो पर्सनल लेवल पे आप थोड़ा कूल थे? या सब ओके था? मतलब अंदर एक एंग्जाइटी थी कि यार एग्जाम शुरू होने वाला है? फर्स्ट डे तो लगता है लाइक जब ये पूरा तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट था, बट देन जो
थर्ड पेपर, सेकेंड पेपर, जो भी पेपर इसके बाद आते रहे उसमें ये नॉर्मलाइज हो गया कि हाँ अब तो हमें देना ही है, वी हैव सम 5 पेपर्स एंड वी हैव टू अटेंड देम। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज में कंफ्यूजन रहती है कि एग्जाम डे पर हम क्या पहन के जाए, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। तो आपने जब लास्ट ईयर अपना एग्जाम दिया था तब आपने क्या ड्रेस कोड फॉलो किया था, उसके बारे में पहले बताओ। मेरी तो वो सिंपल सी हमेशा से रहती है, दैट अटायर जो भी है दैट हैज टू बी सिंपल। तो कोई भी कुर्ती एंड नीचे डेनिम जीन्स यू कैन कैरी दैट, एंड फॉर बॉयज ऑल्सो इट्स लाइक सिंपल शर्ट्स और टी शर्ट्स विद जीन्स। एंड जो वहां पे ड्रेस कोड है इट्स अ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट, सो आपको ऐसे अननेसेसरी क्लिप्स, हेयर बैंड्स ये सब नहीं लगाने होते, एंड रिंग्स वगैरह ये सब वो उतार के रख लेते हैं। शूज, बेल्ट, ये भी शायद अलाउड है? हाँ हाँ, बेल्ट भी नहीं अलाउड है, एंड शूज ताकि चीटिंग ना हो दे कंसिडर इट वेरी स्ट्रिक्टली। तो इसलिए आप काफी सिंपल सा फुटवेयर जैसे चप्पल्स हैं, सैंडल्स हैं, वो पहन सकते हैं, अवॉइड दोज शूज। और एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर ले जाना क्या क्या चीजें है जो अंदर ले जाना अलाउड है? वाटर बॉटल, रफ शीट्स, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें अलाउड है? और आप क्या क्या लेके गए थे? वेल, कैलकुलेटर तो बिल्कुल नहीं लेके जाना होता, इट्स लाइक यू शुडंट ब्रिंग एनी डिजिटल इक्विपमेंट्स विथ यू। बट हाँ, वाटर बॉटल्स आप लेके जा सकते हो, बट दैट ऑल्सो हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। हाँ, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाली इट्स वेरी प्रेफरेबल। एंड उसके अलावा आपको पेन्स भी दो एक, दैट्स इनफ, नॉट इवन अ पाउच इज अलाउड। एंड बट सिंस इस टाइम OMR शीट्स यूज होंगे, सो परहैप्स दे विल इवन आस्क यू टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंट पाउचेस। तो ओवरऑल अभी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली, नॉर्थ कैंपस वाली लाइफ कैसी जा रही है? वेल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नॉर्थ कैंपस है स्पेसिफिकली, काफी होलिस्टिक लाइफ है यहाँ की। यू गेट टू एन्जॉय द फेस्ट ऑल्सो, एट द सेम टाइम आपको इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज करने का मौका मिलता है। यू हैव लॉट मेनी सोसाइटीज इन एवरी कॉलेज, तो अपनी स्किल्स को ग्रूम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एग्जामिनेशन के टाइम पे भी वो कॉम्पिटेटिव माहौल बन जाता है, दी पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड एंड क्यूरियस अबाउट देयर रिजल्ट्स ऑल्सो एट द एंड। सो इट्स अ होलिस्टिक लाइफ, पीपल एन्जॉय इट, and as students we do enjoy it a lot। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया सेशन शुरू होगा, नए बच्चों का एडमिशन होगा, तो कुछ सजेस्ट करना चाहोगे अपने जूनियर्स को? सो फॉर DU इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपने जो प्रेफरेंस शीट है उसको अच्छे से भरें। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, फिर साउथ कैंपस के, एंड देन दी ऑफ कैंपस। तो आप क्रॉस चेक करो, DU की ऑफिशियल वेबसाइट यूज करो कि ये पर्टिकुलर कॉलेज किस कैंपस का है, बिकॉज अगर स्टूडेंट्स के अच्छे भी मार्क्स आते हैं देन अपनी अगर वो प्रेफरेंस शीट अच्छे से नहीं भरते हैं देन दे लैग बिहाइंड, सो इट इज अ ड्रॉबैक। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव रिगार्डिंग दी फिलिंग ऑफ दी प्रेफरेंस शीट। So exam warriors, get ready for it. All the best.